चलिए ब्रेक के बाद कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। जशपुर जिले के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जशपुर जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं की वो बैठक करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जशपुर जिले के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जशपुर जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। साथ ही कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में अरुण साव बैठक लेने वाले हैं। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को एक्टिव भी करेंगे। कुनकुरी में आम सभा को भी संबोधित करेंगे अरुण साव। तो ये बड़ी खबर, अरुण साव का दौरा, जहां पर जशपुर जिले के दौरे पर वो रहेंगे और वहां पर बैठक ली जाएगी। तो बैठक लेते हुए दिखाई देंगे अरुण साव जशपुर जिले के दौरे पर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जशपुर जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं की वो बैठक लेंगे। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक आज होने जा रही है कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में। अरुण साव बैठक लेंगे, कार्यकर्ताओं को एक्टिव भी किया जाएगा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। जशपुर जिले के दौरे पर आज अरुण साव रहने वाले हैं कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में। अरुण साव बैठक लेने वाले हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की। तो कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जाएगा, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। तो वहां पर जनता को भी संबोधित करने वाले हैं। तो जनता को संबोधन का कार्यक्रम रखा गया है। जशपुर जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक अरुण साव लेंगे। कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में अरुण साव बैठक लेने वाले हैं, जहाँ पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने का काम वो करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव। और ऐसे में बीजेपी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है और उसी के तहत लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए दिखाई देते हैं, वहीं अब अरुण साव भी बैठक लेने वाले हैं कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में। वो दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और आम सभा को भी संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का जशपुर दौरा आज का रहने वाला है। और रायपुर से बड़ी खबर, आज से एक दिवसीय हड़ताल पर स्कूल सफाई कर्मी संघ। पिछले 12 सालों से काम कर रहे स्कूल सफाई कर्मी प्रदर्शन करेंगे। राज्य भर के 43,301 स्कूल सफाई कर्मी आज धरना देने वाले हैं। मानदेय बढ़ाने को लेकर भी पहले ही ये संघ प्रदर्शन कर चुका है और एक बार फिर से ये सड़क पर उतरने वाले हैं और प्रदर्शन किया जाएगा। मानदेय बढ़ाने को लेकर दरअसल ये प्रदर्शन होने वाला है। तो 43,301 स्कूल सफाई कर्मी आज धरना देंगे। मानदेय बढ़ाने को लेकर पहले भी संघ प्रदर्शन कर चुका है और एक बार फिर से प्रदर्शन एक दिवसीय रहने वाला है। तो स्कूल सफाई कर्मी संघ प्रदर्शन आज करने वाले हैं और इनका ये प्रदर्शन एक दिन का ही रहेगा, एक दिवसीय इनका ये प्रदर्शन। हालांकि ये संघ पहले भी प्रदर्शन कर चुका है मानदेय बढ़ाने को लेकर और एक बार फिर से इनका प्रदर्शन आज का रहने वाला है। 43,301 स्कूल सफाई कर्मी संघ प्रदर्शन करने वाले हैं।